हाय एवरीवन दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आया रियल मी 5S का टच टेस्टिंग करना है। बिल्कुल देख सकते हो दोस्तों, सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोग दोस्तों दिखाएंगे मॉडल परफेक्ट है या नहीं है परफेक्ट। चलिए आप लोग को मॉडल दिखा देते हैं। सबसे पहले अबाउट में जाना है, अबाउट में जाकर देख सकते हो दोस्तों रियल मी 5S है मॉडल। तो सब करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको 3 लेयर टिप मारना है। वो कैसे मारना आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों, वीडियो को हमारे एंड तक देखें दोस्तों, कि हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कर रहे, ताकि आप लोग साथ कभी परेशानी ना हो। करने के बाद दोस्तों करना है क्या है कि आपको चौड़ा वाला टिप लेके, सेलो टेप बोलते हैं ना, सेलो टेप लेके चौड़ा वाला आपको टच के ऊपर दायां बायां देख के परफेक्ट मिला के आपको रख लेना दोस्तों इस तरह से। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको हाथ की मदद से हल्का टेप को टच के ऊपर बैठा लेना है, ये चिपका लेना। इसके बाद दोस्तों करना है क्या है कि स्क्रीन को बंद करके रोलर की मदद से आपको टेप को बिल्कुल एकदम फ्रेश मारना है। और ध्यान में रखें दोस्तों कि पहला कि जब आप टेप मार रहे हैं तब आपको टेप में बबल या फिर एयर नहीं आना चाहिए। अगर एयर आएगा तो उससे होता क्या है दोस्तों ना, आपको नुकसान, जिसमें आप कटिंग करेंगे ना तो सेपरेटर मशीन के ऊपर में रहेगा, बबल दिक्कत करेगा। तो आप जब कटिंग करेंगे तो डिस्प्ले दाया बाया भागेगा, हिलेगा, तो उसमें क्या होगा, डिस्प्ले आपका टूट जाएगा। ध्यान में रखें कि बबल और एयर ना आए, ध्यान में रखें। इस तरह से आपको टेप को मारना है, देख सकते हैं दोस्तों 3 लेयर मार लिए। मारने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको टच के साइड से ब्लेड की मदद से टेप को कटिंग कर लेना दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश से। ध्यान में रखें दोस्तों कि ब्लेड को बिल्कुल आराम से चलाना है, ताकि अगर छटके तो किस तरह का कोई नुकसान ना हो। जब भी ब्लेड से कटिंग करेंगे तो ध्यान में रखें कि ज़्यादा अंदर घुसा के कटिंग नहीं करना है, बिल्कुल एकदम हल्का हल्का घुसा के कटिंग करना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि सेट को टेप से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने में दोस्तों करना क्या है कि आपको बैक पैनल को बिल्कुल हिट कर लेना है। जब आपको लगेगा दोस्तों कि हिट हो चुका है 95% में, जब आपको लगे हिट हो गया तब आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको सेट को सेपरेटर मशीन से बंद करके फ़ोन को उठा के बैक पैनल को खोलना है। वो कैसे खोलना है वो आप लोग को दिखाएंगे। सबसे पहले बैक पैनल को बता रहे ना, कॉर्नर में ब्लेड को उस कॉर्नर में डालना है। इस तरह से आपको घुसा के हल्का सा ओपन करना, यानी कि खोलना है। करने के बाद दोस्तों करना क्या कि बटाली की मदद से अपनी की ओर खींचेंगे, घुसा के अपनी की ओर खींचेंगे धीरे धीरे। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि रियलमी 5S का जो है ना रिंग खुलता है, तो रिंग के ऊपर जो नट है सारे नट को खोल लेना दोस्तों, बिल्कुल एकदम फ्रेश, ताकि किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों हमारे वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग ये ना बोले कि ये कैसे किए वो कैसे किए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को पूरा समझ में आए दोस्तों कैसे कैसे कर रहे हैं हम। नट खोलने में दोस्तों करना क्या है कि आपको सिमटर को खोलना है, सारा के सिमटर को निकाल लेना। सिमटर को निकालने में दोस्तों आप नाखून की मदद से भी निकाल सकते हैं या फिर बटाली की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बटाली है, तो बटाली की मदद से बिल्कुल दम फ्रेश रिंग को निकालना है दोस्तों। ध्यान में रखें कि जब आप रिंग खोलेंगे ना तो ज़्यादा भी घुसा के नहीं खोलना है, बिल्कुल दम हल्का सा घुसा के ओपन करना है। अगर ज़्यादा घुसा करेंगे तो रिंग टूट जाएगा, ध्यान में रखें। तो इस तरह से आपको खोल लेना है। खोलने में दोस्तों करना क्या है, चलिए अब टच कटिंग करेंगे। फ्रेम से बाहर निकालना है डिस्प्ले को, तो करना क्या है दोस्तों कि ब्लेड की मदद से नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना है, बिल्कुल दम आराम से एकदम धीरे धीरे इस तरह से जाना है दोस्तों। बिल्कुल ब्लेड है ना जो ग्लू को कटिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो ध्यान रखें कि ब्लेड को बिल्कुल आराम से चलाएं दोस्तों। ध्यान रखें दोस्तों कि ब्लेड जब आप चलाते हैं ना तो अपने हाथ के कंट्रोल में रखना है, ताकि अगर हाथ छटकता भी ब्लेड छटकता भी है तो हाथ कटे ना, बिल्कुल एकदम इस तरह से चारों तरफ सबको ब्लेड की मदद से कटिंग कर लेना है ग्लू को, एकदम प्यार से चलाने की, पूरा मोहब्बत से चलाना है धीरे धीरे। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको ये लेवेंडी
या फिर ओसी क्लास का जो रेपर होता है ना प्लास्टिक का सॉफ्ट मुलायम, आपको उसको डाल के आपको चारों तरफ से आपको ग्लू को कटिंग कर लेना है जो भी कुछ बचा हुआ है। इस तरह से धीरे धीरे चलाना है। ध्यान में रखें दोस्तों कि जब नीचे में की ओर आप आएंगे तो उस जगह में आपका पत्ता है, ध्यान में रखना है, उससे पहले आपको छोड़ देना है। इसके बाद बैटरी पत्ता खोल लेना दोस्तों। बैटरी पत्ता खोलने में दोस्तों करना क्या है कि आपको डिस्प्ले को पत्ता खोल के और अपने की ओर ऊपर की ओर निकालना है बिल्कुल फ्रेश। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल निकल चुका है दोस्तों पत्ते को, हल्का सा पीछे की ओर से छुड़ा लेना है बिल्कुल आराम से। करने में दोस्तों करना क्या है कि चलिए अब इसको सेपरेटर मशीन में ले चलेंगे, इसको हिट करेंगे। हिट करने में दोस्तों करना क्या है कि आपको कटिंग करना है बिल्कुल, डिस्प्ले को बचाना है। चलिए आप कटिंग करेंगे, जब आपको लगे 95 या 90 में हिट हो गया तब आपको दोस्तों करना क्या है कि कटिंग करना है। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल कटिंग करना इसी तरह से ताकि डिस्प्ले टूटे ना। बिल्कुल आपको तार को मोड़ लेना आपने बिल्कुल लेफ्ट राइट करना है, इनकी दायां बायां करना है। इस तरह से आपको धीरे धीरे कटिंग करना है। ध्यान में रखें दोस्तों जहाँ चूर है उस जगह में आपको दबाना नहीं है ज़्यादा। जब कटिंग हो जाएगा एक बार पूरा क्लियर तब आपको दूसरी बार एक बार से फिर से कटिंग कर लेना, जो भी ग्लू है पूरा कट जाएगा। करने में दोस्तों करना क्या है कि आपको डिस्प्ले को उठा लेना है। उठाने के बाद दोस्तों दिखाएंगे कि ओसी ग्लास कैसे साफ करते हैं मोटर की मदद से। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों कि बहुत आदमी बोलता है कि दोस्तों कि आप डिस्प्ले छुपा लिए हैं पहले वाला और डिस्प्ले आपका टूट गया है, न्यू डिस्प्ले आप डाल दिए, तो ऐसा ना। इसलिए आप लोग को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखा है ताकि आप लोग को ये ना बोले कि डिस्प्ले चेंज हो चुका है। देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल डिस्प्ले रियलमी पावर बैंड एंड्रॉयड बिल्कुल आ चुका है दोस्तों। देख सकते सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप लोग को ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाएंगे। जो उसी लगा हुआ है ना उसके ऊपर ग्लू है जो वो टच वर्क में प्रॉब्लम कर रहा है, ग्लू मतलब हाथ चलने नहीं दे रहा है, सड़ सड़ जा रहा है। देख सकते हैं सारा वर्क कर रहा है। चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको डिस्प्ले खोलने के बाद ओसी ग्लास कैसे साफ करते हैं मोटर की मदद से वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको मोटर की मदद से डिस्प्ले को पूरा ग्लू को साफ करना है। डिस्प्ले पकड़ना है दोस्तों इसी तरह से, आप लोग को भी डिस्प्ले पकड़ना है, कभी डिस्प्ले टूटेगा नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आपको साफ करना दोस्तों। करने बाद दोस्तों करना क्या है कि जब लेंस के ऊपर और जब पहुँचेंगे ना लेंस के नीचे में तब आपको आराम से बिल्कुल चलाना, दबाना वाना नहीं, ध्यान में रखें। करने बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको चलिए डिस्प्ले क्लीन कैसे इनकी साफ कैसे करते पूरा बिल्कुल वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। देख सकते दोस्तों इस तरह से आप लोग को डिस्प्ले को पकड़ के पत्ते को पेट्रोल की मदद से डिस्प्ले पर लेके पेट्रोल क्लीन करना यानी कि साफ करना है। बिल्कुल एकदम प्यार से एकदम करना है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल साफ हो चुका है दोस्तों। करने बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फ्रेम में डाल के बैठा लेना बिल्कुल एकदम फ्रेश। ध्यान में रखें दोस्तों कि लेंस में नहीं दबाना, आपको लेफ्ट राइट देख के बैठा देना। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको डिस्प्ले पत्ता जो है ना बोर्ड में बैठा देना है। बैठाने बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको टच को अभी उससे ग्लास टच लगाएंगे, आप लोग दिखाएंगे दोस्तों। रियलमी C3, रियलमी 5, C11, C15 सब सेम टच लगता है। तो फोम कटर की मदद से आपको उससे ग्लास का जो रेपर है ना उसको निकाल लेंगे। रेपर को निकालने के बाद दोस्तों करना कैसे है और बैठाना कैसे वो भी आप लोग दिखाएंगे। नीचे की पोजीशन से लेके ऊपर की ओर रखना है,
नीचे में आपको परफेक्ट देख लेना बैठ गया दोस्तों। करना क्या है कि नीचे की ओर जाके पूरा छोड़ना है, ये नहीं कि ऊपर की ओर से ही छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है, कभी भी ध्यान में रखें। और दायां बायां देख के बैठाना है, इस तरह से हम बैठाएं दोस्तों। करने बाद दोस्तों चलिए आप लोग को मशीन में डाल के दिखाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से आप लोग को पेस्टिंग करना है, टच ऊपर रखना है, टच का पोजिशन पत्ते को मोड़ देना है, इसके बाद स्टार्ट करना है और तो पेस्टिंग में डला गया। अब इसको पेस्टिंग होकर निकल चुका है दोस्तों। अब इसको करना क्या है कि दोस्तों के अगर आपको फ़ोन को फिनिशिंग देना है, डिस्प्ले को बैठाना है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बिल्कुल दम फ्रेम को साफ करना है बटाली की मदद से। मैं हर एक बार बोलता हूँ, अगर आपको ओरिजिनल टाइप में बैठाना और फिनिशिंग देना, सबसे बड़ी बात दोस्तों कस्टमर को खुश करना है, तो आपको सबसे पहले फ्रेम को साफ करना है बिल्कुल दम, जो भी डस्ट है, ग्लू है, गम है, बिल्कुल आपको क्लीन करना है। इसलिए आप लोग दिखा रहे हैं ताकि आप लोग देख के सीखे दोस्तों, पूरा क्लीन कर लेना, इस तरह से आपको साफ़ करना है। अगर परफेक्ट नहीं बैठ साफ करेंगे तो दोस्तों होता क्या है कि साइड से लाइट फेंकता है, तो वो फ्रेम की वजह से होता है। फ्रेम आप साफ़ नहीं करेंगे तो साइड से डिस्प्ले का लाइट फेंकता है, आप लोग को ही पता है। अगर वो साफ़ रहेगा फ्रेम तो लाइट तो फेंकेगा नहीं, इसलिए आप लोग को बिल्कुल दोस्तों फ्रेम को साफ़ कर लेना है ताकि प्रॉब्लम कुछ ना आए। बिल्कुल एकदम प्यार से आपको एकदम फ्रेम को साफ कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह से आपको बटाली की मदद से साफ करना है। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आप लोग बताए थे ना कि रिंग भी खुलता है रियलमी 5S में, तो सबसे पहले करना क्या है कि रिंग को भी आपको साफ़ कर लेना क्लीन। जब आप बैक पैनल बैठाएंगे तो बैक पैनल भी परफेक्ट बैठेगा। अगर बैक पैनल नहीं साफ़ करेंगे दोस्तों तो होता क्या है ना कि बैक पैनल ऊँचा हो जाता है, बैठता नहीं है, साइड से लगेगा कि फाँका है, तो ऐसा नहीं। तो सबसे पहले आपको ग्लू को पूरा ग्लू गम को जो भी है ना साफ़ कर लेना क्लीन, किस तरह का डस्ट या गम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम फ्रेश करना दोस्तों, पूरी मोहब्बत से काम करना है। करने बाद दोस्तों करना क्या है कि एयर स्पीकर जो जाली होता है ना, एयर स्पीकर न्यू जाली डालेंगे दोस्तों, उसमें क्या है ना कि उससे आवाज़ क्लीन बाहर नहीं आता था, तो हम न्यू जाली डाल रहे हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, एयर स्पीकर जाली है, स्पीकर जाली डाल लेंगे न्यू। डालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि बैठा लेना पूरा परफेक्ट। तरह से आप लोगों को भी करना है ताकि किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फ्रेम के साइड साइड से पेस्ट को हल्का हल्का डालना है, ध्यान में रखें दोस्तों, और अब पेस्ट को ज़्यादा नहीं डालना ताकि नीचे की ओर ना गिरे, केवल उसके कॉर्नर में रहे, फ्रेम के साइड साइड में, बीट में, और चारों तरफ से पेस्ट को डालना है दोस्तों। इस तरह से पेस्ट को डालना है, ध्यान में क्या दोस्तों, जहाँ सेंसर है ना उस जगह में आपको पेस्ट को नहीं डालना है दोस्तों, और कैमरा जहाँ है उस जगह में आपको बिल्कुल नहीं डालना है। कहने वाला दोस्तों करना क्या है कि आपको डिस्प्ले को लेके फ्रेम में बैठाना है, देख सकते हो दोस्तों रियलमी 5S बिल्कुल नीचे की ओर से ऊपर की ओर देख के बैठा देना है। बैठाने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको डिस्प्ले पत्ता को बैठा देना है, और बिल्कुल पत्ता को भी बैठा देना है। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि बैटरी को डालना है, बैठा देंगे बैटरी को भी डाल के। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको जो रिंग होता है ना, रिंग को भी आपको फ्रेम को बैठाएंगे, रिंग को बैठाएंगे। चलिए रिंग को बैठाते दोस्तों, फिंगरप्रिंट बैठाने के बाद बैठा लिए हैं। इसके बाद ब्रश मार लेना, जो भी कचड़ा है ना बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आपको फ्रेश कर लेना है।
हम क्लीन काम करना है, किस तरह कोई डस्ट वस्ट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको रिंग को बैठा देना है। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको फ्रेम और रिंग के बीच में प्रेस करके दबाना है। ध्यान में रखें दोस्तों कि कभी भी डिस्प्ले में दबा के रिंग को कभी नहीं बैठाना है। इस तरह से आप लोग बैठा रहे ताकि आप लोग को देख के आप सीख सके दोस्तों, ताकि आप लोग साथ कोई परेशानी ना हो और डिस्प्ले कभी टूटे ना। इस तरह से बैठाना है। बैठाने में दोस्तों करना क्या है कि सारे नट को बिल्कुल कस देना पूरा टाइट से। आप लोगों को पता है फ़ोन नट पे ही टिका हुआ है, आप लोग पता है, इसलिए सारे नट को कसना है। चलिए सारे नट को कस लेते हैं, बिल्कुल टाइट से कसना है। हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दे जरूर से दोस्तों, ताकि इस तरह का आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे, ताकि वीडियो से आप कुछ सीख सके दोस्तों। अगर लाइक नहीं किए दोस्तों तो जाके फटाफट एक लाइक कर दे। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सारा नट को आपको टाइट से कसना है। कसने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको पेस्ट को रिंग के ऊपर साइड साइड से डालना है, बिल्कुल एकदम फ्रेश, और ज़्यादा भी नहीं डालना दोस्तों, डॉट 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 करके डालना है। हल्का 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 आपको डालना है, ध्यान रखें ज़्यादा डालेंगे तो पेस्ट बाहर आ जाएगा, इसलिए ऐसे डालना है ताकि पेस्ट बाहर ना आए दोस्तों। करने में दोस्तों करना क्या है कि आपको बैक पैनल को परफेक्ट बैठा देना है। करने के बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि 6 रबड़ मारना है, 3 लंबाई 3 चौड़ाई, सिम ट्रे को डाल लेना है। सिम ट्रे को डालने के बाद दोस्तों करना क्या है कि जो डिस्प्ले गंदा है ना, पेस्ट लगा हुआ है या हाथ से छुए जो गंदा है, उसको पेट्रोल की मदद से या फिर थिनर की मदद से या फोल्कॉन की मदद से आप पूरा क्लीन कर सकते हैं। पुराने स्क्रीन को जो है ना, डिस्प्ले को साफ कर लेंगे, जो भी साइड में पेस्ट लगाओ ना पूरा क्लीन कर लेना। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को साफ कर लेना। करने के बाद दोस्तों करना क्या है कि आपको पता है ना, 6 रबड़ मारना है, 3 लंबाई 3 चौड़ाई, लंबाई में 2 फोल्ड करना है, चौड़ाई में 3 फोल्ड करना है। दोस्तों वीडियो बने रहे, चलिए ऑन करके दिखाएंगे डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल रियलमी पावर बाय एंड्रॉयड आ चुका है। चलिए ऑन होने दे, इधर हम लोग रबड़ को पहले मार लेंगे दोस्तों। ये रहा दूसरा रबड़, इसके बाद मारेंगे तीसरा रबड़। और जो है ना रबड़ मारने का स्टाइल, वो फ्रेम के बगल से आपको पकड़ के रखना है, ऐसा नहीं कभी डिस्प्ले में पकड़ के रबड़ मार रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। फ्रेम के साइड में पकड़ के आपको रबड़ को मारना है। देख सकते हैं दोस्तों चौड़ाई में 3 फोल्ड किए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग को रबड़ मारना है दोस्तों। यह रहा 6 रबड़, बस सारा 6 रबड़ मरा गए। इसके बाद दोस्तों चेक करके दिखाएंगे कि सारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सारा वर्क कर रहा है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक भी हो रहा है दोस्तों, अब ब्राइटनेस बढ़ाकर दिखाएंगे कम बेसी। तो बिल्कुल कम बेसी भी हो रहा है, अप डाउन। जय हिंद।